गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करने वाले को 100 गायों को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार अगर कोई भी व्रत तथा कोई भी व्रत तब ही पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का पाठ भी करें। आपको भी गुरु प्रदोष की पूजा संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसलिए हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री शिव, जय भोलेनाथ, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। गुरु प्रदोष की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख असुर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादि देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम असाधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वावेशी और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्ठा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से तू यह गुरु प्रदोष व्रत करो जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त हो सके। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया जिससे वृत्तासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हुए। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, भगवान विष्णु की जय, गुरुदेव की जय। तो दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, आशा करता हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, अगर नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं, कथा आपको कैसी लगी। अगर आपको इस चैनल पर कुछ भी अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय शिव शंकर।